गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो आज है 26 तारीख, आज है वन राइड। तो ये मेरी क्लासिक 500, इसका बैटरी पूरा गया, स्टार्ट नहीं हो रहा था कल रात को। फिर मैं ये 350 लेकर आ गया। आज राइड करेंगे हम लोग 350 पे। तो आपको बताता हूँ 350 क्यों लाया, कहाँ से लाया और सब रात को ही क्यों चेक किया। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी इसकी आवाज़ बहुत आएगी। इसको साइलेंसर लगा हुआ है दूसरा। इसको करते हैं पहले स्टार्ट। और ये ना बहुत हल्का लगता है मुझको, लगता ही नहीं है 350 है ये। चल भाई, से नॉर्मल बाइक जैसे लगता है मुझको ये तो। सीरियसली। तो आप सुन सकते हो इसकी आवाज़ कितना लाउड है। ये मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि रात को बज चुके थे 10:30। इसमें पेट्रोल डलवाना है अभी, तो इसमें पेट्रोल भी नहीं है। माय गॉड, मुझे खुद को कैसे तभी लग रहा है इतने लाउड आवाज। माय गॉड, तो अभी निकल गए हम लोग। अभी मुझे पेट्रोल डलवाना है यार इसके अंदर ना। मैं इसको रात को लेके आया हूँ कुछ एक एक सवा एक बजे। और 2 दिन हम लोग थे ही नहीं यहाँ पर। 2 दिन हम लोग महाबलेश्वर में थे, मैं और आरती। तो बुलेट तो मैंने वॉशिंग करवा के अच्छे से ही रखा था, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा बैटरी वगैरह का। सडनली पूरा डाउन हो गया बैटरी, पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा ऑप्शन तो है ये वाला। अभी इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, आगे मिलेंगे। वैसे भी अभी अंधेरा है, तो चलो मिलते हैं आगे यार, पेट्रोल डलवाते। आज वन राइड है और हमारा हो गया पेट्रोल ख़त्म। मेरी बाइक तो खड़ी है जिसका बैटरी ख़राब है। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है, हमेशा का है ये। अभी यहाँ से दिखा रहा है 400 मीटर पे पेट्रोल पंप, देखते हैं वो ओपन है कि नहीं। तो अभी पेट्रोल मिला है हमें 7 बजे, और कोई भी पेट्रोल पंप चालू नहीं था। 1.5 घंटा हम लोग रुके रहे यहाँ पर ही। बानेर में मनी को बुलाया, जैसा कि आपने देखा एक शॉट में। फिर एक्टिवा लेकर आया, पैर लगा कर लेके गए। पता नहीं था मुझे इसमें पेट्रोल कितना है। मुझे इतना पता था पेट्रोल तो डलवाना है, पर इतना नहीं पता था कि 10 किलोमीटर में ख़त्म हो जाएगा। इसको कोई चलाता भी नहीं है, मुझे लगा शायद चला जाएगा। और रात को भी मैं बहुत थक चुका था, क्योंकि मैं महाबलेश्वर से आया था, बहुत थक चुका था मैं। इसकी अभी आवाज़ मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। ये आवाज़ का ना हैबिट हो चुका है ख़त्म एक्चुअली में। और इसका सीट भी वैसा ही नॉर्मल है बैक साइड का, तो वो राउंड वाला, उस पर भी अनकंफर्टेबल हो रहा है आरती को। अभी हम लोग हैं ये सियागढ़ रोड पे, 57 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। और वो लोग पता नहीं कहाँ पहुँचे होंगे, अगर कहीं रुके होंगे तो शायद जल्दी कवर हो जाए, अदरवाइज पता नहीं। ये आ गया खड़कवासला डैम, काफी पानी भर चुका है। माय गॉड, बहुत ऊपर तक पानी है, उधर बादल है, एक नंबर, बहुत पानी भर गया सच में। लास्ट मंथ इतना नहीं था, ये मंथ में बहुत ज्यादा पानी हो गया है। पावे घाट का रास्ता है, ये ऑफ रोड है। यहाँ से 17 किलोमीटर हमें आगे जाना है, एंड देन उसके बाद फिर राइट है। ये गाड़ी पे कैसे होगा, ओहो
क्या मस्त रास्ता है यार, ये बहुत ब्यूटीफुल है, फुल नैरो रोड है, मस्त वाला। ओहो अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत मस्त मस्त वाला। अच्छा है, बारिश नहीं है, व्यू बहुत अच्छा है। अभी चढ़ाई आ गई है, मतलब घाट लग चुका है और ये दम तोड़ रही है। ओ हो हो हो, क्या व्यू आ रहा है यार, इसने तो दिल खुश कर दिया हमारा। क्या लैंडस्केप से यार, वाह, पूरी जंगल वाली फीलिंग आ रही है। अभी ढलान आ गई है, अभी नीचे उतर रहे हैं। ये आ रहा है यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे, बस नज़ारे ही नज़ारे हैं यार। ये रोड पे आए थे हम लोग राइड करने के लिए, बट रात में आए थे, हमारा नाइट राइड था। सच में काफ़ी नज़ारे हैं। ओहो हो 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 हो, बहुत सही बहुत सही। एक ढलान ऊपर से ये पूरा ऑफ रोड वाला पैच आ गया। अभी एक बाबा से पूछा मैंने, वो कह रहे हैं कि 20-25 मिनट पहले यहाँ से बाइकर्स गए हैं। एक्चुअली वो काफ़ी सारे बाइकर्स हैं ना, शायद स्लो गए रहेंगे। आज 350 पे हो रही है ऑफ रोड। ओ माय गॉड, हमें कहाँ जाना है, इधर ही जाना होगा शायद। तो काफ़ी देर बाद हमको ये रास्ता मिला है, ये गांव मिला है हमको, छोटा सा गांव है कोई, और मस्त है, देख सकते हो। ओहो, गांव के अंदर से जा रहे हैं, बस कुत्ते पीछे ना पड़ जाए इनसे प्यार से। कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो देखा आपने, छोटा सा गांव था, खत्म हो गया, हम लोग निकल गए आगे। बाबा मधे घाट ला, हाँ लेफ्ट ला, बर ओके। देखा अच्छा हुआ पूछ लिया, नहीं तो मैं राइट मार देता था और हम लोग फिर से गलत चले जाते थे। आज पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग आ गए मधे घाट की तरफ। दिमाग ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा कुछ ये कर रही है आवाज़ करके। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मधे घाट के लिए। गाड़ी होने लग गई चालू, चलो बैठो। आरती को भी अनकंफर्टेबल हो रहा है ये सीट की वजह से, और मुझे भी चलाने में थोड़ा ना, मैंने कम से कम भी इसको चलाया होगा 1.5 साल के बाद। मैं मेरी गाड़ी चलाता हूँ क्लासिक 500, तो इसको तो कोई डैडी चलाते ही नहीं है, डैडी भी नहीं चलाते इसको ज़्यादा,
अभी कितना किलोमीटर हुआ है, 10,264 इतना ही हुआ है। ये भी 2017 का मॉडल है, बट ये BS4 है। मैंने 2017 में लिया था मार्च में, और डैड ने लिया था कुछ जून जुलाई में। अभी यहाँ से रह गया 20 किलोमीटर, होप सो बढ़िया पहुँच जाए और हमारे बंदे बंदे मिल जाए। लेफ्ट जाना था, हम लोग जा रहे हैं मधे घाट, और ओ हो क्या व्यू है, ओए होए एक नंबर लग रहा है यार ये तो। हाँ बादल माउंटेन्स पे आ गए हैं। और मैंने पूछा वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ने वड़ा पाव खाया ना, तो वहाँ पे पूछा मैंने कि तोरना फोर्ट स्टार्ट हो गया है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तक नहीं हुआ है। मैंने पूछा कब होगा, तो बोले नहीं अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है कि कब होगा। करा दो यार फोर्ट्स चालू, बहुत दिल हो रहा है घूमने के लिए फोर्ट्स में, बहुत साल हो गए फोर्ट्स ही नहीं गए हैं, प्लीज़ करा दो। यहाँ पर मैं और आरती चलते जा रहे हैं, चलते हैं मतलब गाड़ी के ऊपर। बहुत लोग थे वैसे, वो लोग काफ़ी पीछे हैं। मधे घाट वाटरफॉल भी है यहाँ पर। अच्छा ये लोग आ गए भाई, ये तो लोकल्स हैं यहाँ के, क्या बात है क्या बात है। रुक जाना चाहिए और ना कहीं ऐसे आवाज से वो हमें ही मारे। बहुत सारे जब कंफ्यूजिंग रोड आ जाते हैं ना, तब पूछ लेना चाहिए। बहुत बारिश हुई है, पानी देखो कितना आ रहा है, ये पूरे खेत का पानी है ये। वाह वाह, ओहो पानी उड़ रहा है। तो ये हो रहा है यहाँ से घाट स्टार्ट, वाने सावका सालवा। इट मीन्स अपनी जो भी गाड़ी है वो ध्यान से चलाएं। अभी चढ़ाई चढ़ाई है पूरी। फिर से डाउन जा रहे हैं, और मधे घाट यहाँ से रह गया है 5 किलोमीटर, फिर हमारा सारा BRC ग्रुप मिल जाएगा। ये ओपन जेन खड़ी है जी, सारी ओपन है। तो इसको बोलते हैं रियलिटी गायें, क्या बात नहीं हुए। तो ये आ गया ऑफ रोड पैच, यहाँ से कुछ 3-3.5 किलोमीटर रह गया है। हाँ हो इकड़ असल हिते हिते हो चला। क्या बात है, क्या रोड है यार, पत्थर वाला। वाह ओए होए, सिंगापुर सिंगापुर, बिना पासपोर्ट सिंगापुर। सिंगापुर वैली रिसोर्ट, लो सिंगापुर का रिसोर्ट तो आ गया। ये तो असली वाला सिंगापुर लग रहा है मुझको। हाँ रिसोर्ट्स वगैरह है, क्या व्यू है यार, एक नंबर एंट्री यहाँ से उसको। अब रोड देख रहे हो कितना नैरो है, और नीचे पूरी वैली है वैली।
हम हो गए जी जंगल में एंटर। मैं और आरती दोनों ही हैं, हमारे बंदे कहाँ हैं पता नहीं। नाइट कैंपिंग किया था तब रात को आए थे, सुबह जल्दी उठ के नींद में निकल गए थे, यही होना चाहिए। बाकी जी बहुत मज़ा आ रहा है, कोई मिले या ना मिले पर हम एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ से दो रास्ते थे, एक राइट एक लेफ्ट, हमने राइट ले लिया। अभी हम लोग सच में राइट है या नहीं पता नहीं, देखते हैं आगे जाके। कुदरत ये वाला, पक्षी उड़ रहे हैं और आसपास कोई नहीं है, आवाज़ें आ रही हैं बस पक्षियों की, और हम लोग शायद गलत आ गए हैं। चलो वापस चलते हैं। वापस चले क्या फिर? 40 मिनट्स बता रहा है कब पहुंचेंगे फिर 40 मिनट्स। तो वापस वहीं से मुझे लगता है फिर वापस जाना पड़ेगा। आप एक बार चेक कर लो ये। हम लोग आए तो गलत है बट लोकेशन काफ़ी अच्छी है, हमने यहाँ पे 10-15 मिनट काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, फोटोग्राफी की। अब जा रहे हैं वापस मदेघाट की तरफ। एक्चुअली बोर्ड भी नहीं है कि लेफ्ट है राइट है, कुछ ऐसा था भी नहीं, और हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए, अभी नीचे जाना है। क्या बात कर रहे हो, 8 किलोमीटर दिखा रहा है? ओहो हो हो, हाँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ओहो ओहो ओहो, आरती भी मेरी सीट पे आ गई है। हम दोनों एक ही सीट पर आ चुके हैं। मतलब मैं थोड़ा और आगे आ गया, आरती मेरी सीट पे आ गई। सो हम लोग गलत चले गए थे, जो चौक से हम लोग ने राइट लिया था तो वो राइट नहीं लेना था, वो लेना था लेफ्ट। ओहो हो 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 हो, बच गए भाई, बहुत बचे। तो अभी एक कार वाले ने बताया आपका बाइकर ग्रुप लेफ्ट साइड में गया हुआ है तो आप यहीं जाइए, तो हम लोग अभी लेफ्ट ले लिए। ओ ग्लैरी, तो मदेघाट वाटरफॉल यहाँ दिखा रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि आपके बंदे भी यहीं गए हैं। ऐसे लोग मिल जाते हैं ना तो पता चल जाता है एक्चुअली में। ये तो फिर एक सीधा रास्ता था, हम फिर कहीं गलत चले जाते थे तो फिर हो गया। फिर जो बादल हमें दिख रहे थे उन ऊपर से, वो देखो ये हमारे सामने अभी, और हमारे बाइकर्स का है, पूछना पड़ेगा। अरे बाइक वाले पुड़े गए लेट का बर, तो ये भी हमारे BRC के ही है सर। तो अभी हमारे BRC वाले मिल जाएंगे। हम लोग पहुंच गए बादलों में, ये हमारे ऊपर बादल है और ये कैमरे में विजिबल नहीं होते। कुछ बोले क्या वो? हाँ निकल रहा हूँ जल्दी। क्यों? मेरा डबल ड्यूटी है। अरे इतना पैसा क्या करोगे, चलो। अरे फैमिली वेट कर रही है, बच्चे लोग अभी। चलो इधर ही है ना अपने सब लोग, चलो मिलते हैं, बाय बाय। तो फाइनली हमारे बंदे मिल रहे हैं। ओए ओए भाई बहुत पंगे हो गए थे, हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया पर आ गया। ये दूसरी गाड़ी लेके आए। थैंक यू। और वड़ा पाव भाई कैसा है?
हाय कैसे हो? वेलकम वेलकम। ए हरा भी फोन भी नहीं उठाता। अबे तेरे को कब से फोन लगा रहा, तेरे नॉट रीचेबल है। पहुंच गए हम लोग कैसे ना कैसे, तैसे ना तैसे करते करते। हम लोग पहुंच गए, सरफराज भाई मिल गए, अब्बास भाई है यहाँ पे, सारे लोग हैं, सनी ज्वाइन हो गए हमारे साथ। यस यस, मुझे तो लगा था नहीं पहुंच पाएंगे बट पहुंच गए। ये रही आरती भी आज, किलियन हमेशा की तरह। और देखो लोग नीचे से वाटरफॉल देखते हैं ऊपर की तरफ, हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, रिवर्स रिवर्स। और यही पानी है और ये रोप लाइन चल रहा है यहाँ पर, ये लोग जंप करेंगे। और हमारे BRC की गाड़ियाँ ऊपर खड़ी है, चलो आपको दिखाते हैं। बस रुको, सारंग भाई कुछ बोलो आज वन राइड के लिए। वन राइड सेलिब्रेटेड फॉर द ब्रदरहुड एंड एज यू कैन सी 60 मेंबर्स एंड पिलियन सो मेनी एंड दिस इज वन ऑफ द गाइज हु इज डूइंग अ लॉट ऑफ व्लॉगिंग, सो सब्सक्राइब इंडियन रॉयल ट्रैवलर। ग्रेट, तो मैं आपको बाइक्स दिखाता हूँ हमारे। अरे आपने सारे लोग ही बहुत है यार, क्या दिखाऊं। थम्स अप गाइस। अरे गुड यार, स्पीकर का भी आईडिया अच्छा था। ए स्पीकर्स का फ्यूज बदल नहीं ना किसने? कुंजल भाई, भाविनी जी, मैं आई नहीं ठीक से, अभी तो ठीक से है ना, ये लो ठीक से, सबसे ठीक से आप ही हो अभी। विराज तो छुप रहा है। तो ये दीपक है भाई जिसका गैरेज है विमान नगर में, इसका इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको भी काम हो इसके पास चले जाना। कि नहीं जाना? नहीं नहीं, आने का आने का आने का आने का, भाई का गैरेज है और बहुत बढ़िया काम करता है। चलो गाइस, चल दीपक, चल मिलता हूँ तेरे को, चलो बाय, ओके वीरे। तो BRC पार्टी सब जा रही है, वो विराज है, विराज देखो वो वाला विराज है। तो बाकी बाइकर्स यहाँ पर है, हम लोग जाएंगे लास्ट में, मैं और आरती, हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे दोनों, है ना आरती? हम लोग नहीं जाने वाले ना, नहीं जाने। तो फॉग देख रहे हो आप, जैसे ये लोग जा रहे हैं फॉग आना स्टार्ट हो गया है। ये हमारा अबे दोस्त, हमारा यार, हमारा मित्र, देख लो इसको कैमरा लेगा क्या। तो ये हमारे भाई लोग, ये हमारे भाई, सॉरी ये उल्टा हो गया था, ये हमारी भारती। जा रहे हैं सब लोग। सर भारती मैडम चाबी लगाना भूल गए और गाड़ी चलाने लगे थे, फिर इनको सडनली याद आया कि चाबी रह गई है। कुछ ना कुछ होता होना चाहिए, है ना? और ये अबे चेयरअप कर रहा हूँ। हाँ, और हम इसको चेयरअप कर रहे हैं। हाँ ओके जी, बाय बाय, टेक केयर सनी भाई। ये भी सनी है। दोस्त है हमारा, अभी बिछड़ रहे हैं, मतलब अभी के लिए, ये संडे के लिए। अगले संडे अगली बार मिलेंगे। ऑलमोस्ट सब जा रहे हैं और ये भरत मिलाप चल रहा है आरती का और भारती का। अरे आरती का और भारती का भरत मिलाप, अरे क्या बात है, मैं तो शायर बन गया। आरती का और भारती का मिलाप। और ये मेरी क्लासिक 350, मेरा चैनल, आज इस पे आया हूँ मैं। और ये भाई लोग सब जा रहे हैं। सो आरती ये रही और मैं ये रहा। तो अभी यहाँ का व्यू मैं आपको एक बार 360 में दिखा देता हूँ। ये यहाँ का व्यू ऐसे, पहले बहुत सारे बाइकर्स थे हमारे, वो लोग अभी जा चुके हैं यहाँ से अगेन।
तो मैं और आरती अभी यहाँ से निकल रहे हैं कोई दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। अभी देखते हैं और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ चलते हैं। जो पहले गए थे ना हम लोग, वो बहुत अच्छा था, वहाँ चलते हैं। चलो, तो अभी बहुत सारी फोटोग्राफी हो गई हमारी और हम लोग अभी निकल रहे हैं। हमारी दुख दुख हो गई स्टार्ट। चलो लेट्स गो। ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ से, यही वाला पानी आगे जाके वाटरफॉल में कन्वर्ट हो रहा है। हम लोग ने 3 साल पहले, मैंने वो तो बताया ही नहीं आप लोगों को, वेट, 3 साल पहले हम लोग ने जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है ना, वो तो वहीं पे हम लोग ने कैंपिंग किया था। मैं, आरती और हमारे BRCA ग्रुप था, विशाल, सारंग भाई और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे हमारे। हम लोग ने यहाँ पे नाइट कैंपिंग किया था। तो निकल गए हम लोग अभी, और रास्ते दूसरे रास्ते से शायद जाएंगे, नहीं तो जो रास्ते से आए हैं वही रास्ते से जाएंगे। देखते हैं अभी कुछ यहाँ पे कुछ खाएंगे यार। सुबह तो सिर्फ वड़ा पाव खाया था, अभी कुछ लंच वगैरह करेंगे। वैसे फ़िलहाल टाइम हो रहा है अभी 11:40 सुबह के और धूप निकल चुकी है, तो इसलिए हम भी निकल गए। अगर मौसम अच्छा होता तो हम लोग डेफिनेटली रुकने वाले थे। तो यहाँ पे बोर्ड है वेल्ले यहाँ से 16 किलोमीटर, नसरापुर 46, पुणे रह गया 82 और मुंबई 239, और हमें जाना है पुणे, पहले जाना है वेल्ले। ये देखो नज़ारा, क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आधे पहाड़ पे तो हम लोग थे, इतना तो कंफर्म है, आधा रह गया है, नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको। आरती ने मना कर दिया बिकॉज आरती को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि इसकी सीट वैसा प्रॉपर नहीं है ना जैसी मेरी क्लासिक 500 की है, वो प्रॉपर टूरिंग बनाई हुई है सीट, इसलिए। तो वो कह रही है नहीं चलो घर चलते हैं, ठीक है, उसको मज़ा नहीं आ रहा तो फिर मतलब क्या है। जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो गया, वन राइड वाले हमारे बंदे मिल गए। अभी हम लोग बैक टू पवेलियन, अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, खाना खा के एंड देन उसके बाद फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो हमारा हो गया घूम के, हम लोग आ गए होटल स्वप्निल, ये अपने दोस्त का ही होटल है, वो हो रहा स्वप्निल, उसने शायद हेलमेट में नहीं पहचाना होगा। तो यहाँ पर आए थे मैं और सोनू, एक वीडियो बना हुआ है 70 किलोमीटर मैं और सोनू खाना खाने गए, तो वो यही होटल है और अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे। तो मैंने और आरती ने खाना भी खा लिया, हम लोग अभी यहाँ से निकल चुके हैं, आधे रास्ते में पहुँच गए। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखो, हम भी अपना ख्याल रखते हैं। चलो जी, बाय बाय, सत श्री अकाल जी, सारे नु बाय बाय, टेक केयर।